तो हेलो दोस्तों, तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में टॉयलेट का फॉर्म किस तरह डाला जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को जो दिख रहा है यही साइड है जिससे हम टॉयलेट का फॉर्म डालेंगे। तो दोस्तों, आपको जो ऊपर जो दिख रहा है वो है लिंक वीडियो का, मतलब लिंक है साइड का, उसे आप देख लें और कॉपी या कुछ भी कर लें। डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा दोस्तों आप लोगों को ये लिंक, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कुछ अब यहाँ से हमें सिंपल सा लॉगिन करना है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन के बाद सिंपल सा लॉगिन करना है और यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर जो है आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे शेयर कट जाती है, लेकिन मैं दोबारा से बोलता हूँ, आपको लॉगिन करना है और यहाँ पर जो है अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP भेजना है। तो दोस्तों, OTP भेजने के बाद आपको सिंपल सा कुछ नहीं, यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, OTP डालना है और सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पे जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें जिससे हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो डालें। तो दोस्तों, सिंपल सा कुछ नहीं, इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। इसे हटाकर दोस्तों आपको अपना जो है डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, और फिर दोस्तों आपको अपनी तहसील, फिर आपको दोस्तों अपना गांव चूज़ करना होगा, जो भी आपका गांव लगता है, और यहां पर फिर जो है विलेज नेम सेलेक्ट करना होगा। तो उसके बाद दोस्तों फिर से यही विलेज नेम चेक करना है। फिर दोस्तों नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें यहां पर नेम भरना है, जो आपके आधार में नाम है वो आप यहाँ पर फिल कर दो। और दोस्तों यहाँ पर आगे अपना आधार कार्ड नंबर फिल करके, और जो है ये जो ब्रैकेट है इस पर क्लिक करने के बाद आपको आधार कार्ड नंबर वेरीफाई करना होगा। तो दोस्तों, ये अभी वेरीफाई नहीं हुआ है क्योंकि हमारा आधार कार्ड नंबर गलत है। तो दोस्तों, आगे की तरफ चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें अपना हस्बैंड नेम भरना होगा या फिर फादर्स नेम। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना जो भी आपके फादर्स नेम है वो भर दीजिएगा, और फिर उसके बाद दोस्तों आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो कि हम कर देते हैं। फिर आपको जो कैटेगरी, आपको BPL करनी है दोस्तों। BPL जो होता है गरीबी रेखा में आ जाता है, तो जो भी आपकी कास्ट है SC या OBC वो सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद अपना एड्रेस फिल कर दो दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको अपना बैंक का IFSC कोड फिल करना है। जैसे ही आप फिल करेंगे तो दोस्तों टैब दबा देना या किसी और जगह टैब कर देना, जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो कटेगा नहीं और IFSC कोड वगैरह अपने आप खुद ही फिल हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको सिंपल सा कुछ नहीं, अपना अकाउंट नंबर फिल करना है। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर फिल कर लेते हैं दोस्तों, आइए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अपना अकाउंट नंबर फिल कर लेते हैं दोस्तों। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, प्लीज़। हमें आपके आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पासबुक अपलोड करनी है और अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों, ये नहीं हुआ है क्योंकि हमने आधार वेरीफाई नहीं किया था। तो चलिए, आइए हम आइए आधार कार्ड नंबर वेरीफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर सही से डालना है। हमने तो ऐसे ही डाल दिया था उल्टा सीधा, लेकिन आप लोगों को सही डालना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालिए और उसे वेरीफाई करेंगे, तो ये वेरीफाई दोस्तों देखिए हो जाएगा। चलो हम अपना डाल लेते हैं अभी दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आएगी, पूरी तरह से वीडियो देखना। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर वेरीफाई हो गया है, और यहाँ पर दोस्तों हमें फिर से वही अकाउंट नंबर दोबारा से फिल करना होगा, और अकाउंट नंबर फिल करने के बाद दोस्तों जो है हमें पासबुक अपलोड करनी होगी, और पासबुक अपलोड करने के बाद दोस्तों हमें अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम अप्लाई के ओके करेंगे बटन पर, तो दोस्तों देखिए हमारा फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो गया है। तो दोस्तों, तो इसे करते हैं हम ओके और चलते हैं अगली तरफ। तो दोस्तों, प्रिंट निकालने के लिए हमें व्यू एप्लीकेशन पे जाना होगा। तो दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं आप, जहाँ पे जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन का स्टेटस चेक होगा, और जहाँ पे जाएंगे तो आपको जो है फॉर्म का प्रिंट आउट मिलेगा। तो
चलिए दोस्तों हम क्लिक कर लेते हैं फॉर्म को प्रिंट आउट निकालने के लिए। दोस्तों ये है प्रिंट आउट और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आई नी तेरा सूट भी।